छोड़ छोड़ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या सरेंडर हुए नरेंद्र? प्रॉपर बचाकर रक्षा मंत्रालय से चीनी घुसपैठ की जो जरूरी फाइलें थी वो डिलीट कर दी गई। नरेंद्र मोदी, हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो झूठा है, जो झूठा है। कागज मिटाकर देश को धोखे में रखने वाले प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी ने जरूरी दस्तावेज गायब करवा दिए। नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री। भैया दस्तावेज गायब कर दिए, देश के साथ में धोखा है, सेना के साथ में धोखा है, ऐसे धोखेबाज प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये दस्तावेज जो रक्षा मंत्रालय की साइड से डिलीट हुए हैं, इन्हें पहले ही हमने कॉपी कर लिया था। और प्रधानमंत्री इतने झूठे हैं, रक्षा मंत्रालय ने जो पेपर डाले अपनी झूठ को छुपाने के लिए, उन्होंने रक्षा मंत्रालय की जो साइड है उससे वो पेपर डिलीट करा दिए। आज एक प्रदर्शन हुआ, वह प्रदर्शन जंतर मंतर पर नहीं था, वह प्रदर्शन किसी रोड पर नहीं था, वह प्रदर्शन था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर। इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आवास पर शुक्रवार को जमकर प्रदर्शन किया। जब भारत की रक्षा की बात हो और उसमें कुछ न कुछ दिक्कत हो तो जवान सड़क पर उतरता है। इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राजनाथ सिंह के आवास पर जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब देश में सीमा पर चीनी सेना भारत के अंदर आई ही नहीं तो आखिर यह बातचीत का दौर क्यों चल रहा है। दूसरी बात, उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर दस्तावेजों को अपलोड किया, आखिर उसे क्यों हटा लिया, इसका जवाब आखिर कौन देगा। मैं आज बात करना चाहूँगा चीन का, क्योंकि चीन भारत में अतिक्रमण किया जिसको लेकर अब विपक्ष आवाज उठाने लगा है। वो दस्तावेज गायब हो गए थे जिसको देखते हुए आज रक्षा मंत्रालय था वहाँ पर, यूथ कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जितने भी क्योंकि गलवान घाटी में जो चीन के खिलाफ जो दस्तावेज इकट्ठा कर दिए गए थे रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पे, उस वेब पोर्टल से गायब कर दिया गया है। उसको देखते हुए आज यूथ कांग्रेस ने काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके, इतने कार्यकर्ता थे उनको इकट्ठा करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद से देखा यह गया कि यहाँ की हालांकि धारा 144 लगी है जिसके तहत लोगों को डिटेन किया जा रहा है, यहाँ पे काफ़ी पुलिस फोर्स बल तैनात है और आगे बढ़ने नहीं दिया गया, उनको बस में डिटेन कर लिया गया है। और यहाँ पे लगातार काफ़ी देर से देखा जा रहा था कि लोगों को डिटेन करने के प्रयास किया जा रहा था, पुलिस ने काफ़ी समझाने की भी कोशिश की, लेकिन जितने भी यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मानने का नाम नहीं लिया, जिसको देखते हुए यहाँ पर यूथ कांग्रेस को डिटेन, जितने भी कार्यकर्ता उनको डिटेन कर लिया गया है। मैं अपने कैमरे में गुजारिश करूँगा कि एक बार एक एक करके विजुअल्स बनाए और दिखाए लोगों को, ताकि समझ में आए कि बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ों को लेकर क्या जा रहा है, क्योंकि लगातार ऐसे मुद्दे में आगे जा रहा था। आइए, क्या सरेंडर हुआ नरेंद्र? प्रॉपर बचाकर मोदी जी देश को खतरे में डाल रहे हैं, हम चाहते हैं दस्तावेज क्लियर करें। ये रक्षा मंत्रालय से चीनी घुसपैठ की जो जरूरी फाइलें थी वो डिलीट कर दी गई। नरेंद्र मोदी, हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो झूठा है, जो झूठा है। कागज मिटाकर देश को धोखे में रखने वाले प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी ने जरूरी दस्तावेज
दस्तावेज गायब करवा दिए नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चलेगी मोदी तेरी नहीं चलेगी भैया दस्तावेज गायब कर दिए देश के साथ में धोखा है सेना के साथ में धोखा है ऐसे धोखेबाज प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए नहीं चलेगी नहीं। आप लोगों ने देखा यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है उनको डिटेन कर लिया गया है और यहाँ पे उनको दिल्ली पुलिस की जो बस है उसमें ले जा यहाँ से उठा करके रक्षा मंत्रालय के गृह ऑफिस से उठा करके इनको कहीं और शिफ्ट कराया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है। सर आप लोग किस तरीके जिस प्रकार से जो रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट दो दिन पहले आए थे जो गलवान घाटी में चाइना ने जो अटैक किया था उसको लेकर और जिस प्रकार से उसको डिलीट कर दिया गया है इससे पहले जिस प्रकार से राफेल के जो दस्तावेज को गुम होना जिसमें राफेल के अंदर जो दलाली खा गई थी और अब इसके अंदर हमारे देश के जो मुखिया है और ये बीजेपी पार्टी है हर मुद्दे पे झूठ और झूठ झूठ के सारे चल रही है। यानी कुल मिलाकर के जो विपक्ष नेता राहुल गांधी जी वो लगातार ये कहते रहे कि देश में राहुल गांधी जी जो भी कह रहे हैं राहुल गांधी ने तो ये भी कहा था कि 10 अगस्त तक हिंदुस्तान के अंदर 20 लाख कोरोना केसेस हो जाएंगे। आज आप देख सकते हो 20 लाख 38 हज़ार हो चुके हैं। मोदी की सरकार चाइना पे चुप क्यों है बताती क्यों नहीं देश की जनता को कि चल क्या रहा। ये जब सत्ता में आने से पहले कहते थे कि 56 इंच का सीना लाल आग करके दिखाएंगे लेकिन आधार मुद्दे के ऊपर कोई मुद्दा देख लो आप आज देश का युवा जो सड़कों पे घूम रहा है बेरोजगार घूम रहा है 10 करोड़ युवा नए ताजा बेरोजगार हो चुके हैं लोगों के पास खाने का दाना नहीं है लेकिन भटका रहे हैं हर मुद्दे पे झूठ 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 झूठ। आप लोग बैरिकेड तक नहीं गए क्या कोई उसके कोई हम बैरिकेड से जाने से पहले दिल्ली पुलिस ने हमारे को डिटेन कर लिया हमारे कार्यकर्ताओं को बैठा के बस के अंदर ले गए। आगे हम इस तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम राहुल गांधी की टीम के सिपाही है यूथ कांग्रेस अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी। इस तरीके का क्यों किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा ये दस्तावेज जो रक्षा मंत्रालय की साइड से डिलीट हुए हैं इन्हें पहले ही हमने कॉपी कर लिया था और प्रधानमंत्री इतने झूठे हैं रक्षा मंत्रालय ने जो पेपर डाले अपनी झूठ को छुपाने के लिए उन्होंने रक्षा मंत्रालय की जो साइड है उससे वो पेपर डिलीट करा दिए। डिलीट करने के पीछे कारण क्या होता है उन्हें डर लगता है कि देश को पता ना लग जाए उनके बारे में जो 56 इंच का सीना वो दिखाते थे कि वो नकली और झूठा सीना है उनके जिगरे में इतना दिल नहीं है कि वो देश को सच्चाई बता सके अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने रक्षा मंत्रालय ने से ये पेज डिलीट करा दिया और गंगवाल घाटी पे जो चीन का कब्जा है उसको कहीं ना कहीं आज देश से छुपाने की कोशिश की जा रही है अपनी कमजोरी को देश से छुपाने की कोशिश की जा रही है। झूठ का एक पुलिंदा जो उन्होंने बनाया था झूठा वो टूट गया है कहीं ना कहीं उसके बारे में वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी झूठा है भाई झूठा है। प्रधानमंत्री की बात का जिक्र करना चाहूँगा कि जब उन्होंने कहा था कि हमारी सीमा में न कोई घुसा है न कोई घुस पाएगा और न ही कोई हमारी पोस्ट दूसरे के कब्जे में है 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सर्वदलीय बैठक में इस बात का जिक्र करते हैं लेकिन इतना तो साफ है कि यह बात गले से नीचे नहीं उतर रही। विपक्ष ने उठाया है इसको सवाल और पूछा है कि जब भारत में घुसपैठ नहीं हुई तो चीन से बातचीत क्यों हो रही है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर एक दस्तावेज अपलोड किया गया है जिसमें भारत सरकार ने यह माना है कि चीन ने भारत में अतिक्रमण किया। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार LAC पर चीन की आक्रामकता लगातार बढ़ती जा रही है। 5 मई से गलवान घाटी में 17 मई से 18 मई के बीच कुंगरुंग नाला गोगरा और पेंगोंग झील के ऊपरी तट पर चीनी सेना ने अतिक्रमण किया। इसके अनुसार कूटनीतिक स्तर पर भारत और चीन के साथ बातचीत का दौर जारी है। इसको लेकर सीमा पर तनाव खींच सकता है और इस रिपोर्ट को लेकर अब विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्ष सवाल पूछने लगा है। इस मामले पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके सत्ता पक्ष को घेर लिया है और लिखा है कि चीन के सामने खड़े होने की बात तो भूल जाइए भारत के प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका नाम भी ले सकें। अरे फिर तो देश हमारा खतरे में है भैया। भैया क्या बोलते हैं वो?